ये ब्रज 84 कोस में और तेरी रही मोरलिया और आए के प्रभु रखो हमारी हेलो अजर अमर असरणे शरणे ये अजर अमरे और अशरण शरणे और भवनासी अवतार है जर अमर अशरण शरण और वो अविनाशी अवतार है और आत गुरु सब परम पदे मैं बंद हूं बारंबार है श्रोता जितने आए यहाँ पे और ये सबको यहां अधिकार है के श्रोता जितने आए यहां पे और सबको यहां अधिकार है क्योंकि तुम सब करोगे फैसला कि किसकी जीत किसकी हार परमादरणीय जनता जनार्दन दूर दरार से आए हुए सभी संगीत प्रेमी आदरणीय वंदनीय सम्माननीय यहाँ की मेला कमेटी हमारे नौजवान भाई और जनता में विराजमान हमारे पिता समान बुजुर्ग लोग अपने नंबर की शुरुआत करने से पहले आप सभी के चरणों में अपना सर रख करके सभी को बारंबार नमस्कार सभी को बारंबार नमस्कार। दोस्तों ये रस्सियों का मुकाबला आप लोगों के बीच में आरंभ है। मौजूदा दो अखाड़े हैं, सामने जो विराजमान अखाड़ा है, हालांकि रस्सियाबाजी में अखाड़े बहुत हैं लेकिन वास्तव में जैसे सम्राट बोला जाता है वो यही अखाड़ा है। रसिया सम्राट खिच्चो आटे वाले किशन शर्मा हाथरस, इधर में हमारा एक बहुत ही छोटा मोटा खड़ा केवल आप लोगों के चरणों की धूल, नाथ गोपाल अखाड़ा मुरसान उस्ताद नाथुराम। केवल आप लोगों को यह देखना है उधर से भैया ने क्या गाया और उनकी बातों का जवाब मैं क्या दे रहा हूं और किस तरह से दे रहा हूं, अब हम क्या गाएंगे और हमारी बात का जवाब ये भाई साहब क्या देंगे, बस यही हमारी इनकी लड़ाई है, बाकी कोई लड़ाई नहीं है। और जो फैसला सुबह आप लोग करोगे वो हम दोनों को मान्य होगा, शुभदार होगा। अभी आपने सुना है नंबर मुकेश जी का, एक छंद गाया है भैया ने,
जचना है और सुबह करूंगा मैं चक्रव्यूह की रचनाएं। द्रोणाचार्य कह रहे थे दुर्योधन से कि मैं सुबह चक्रव्यूह की रचना करूंगा और पांडवों में से एक भी नहीं बचेगा। आप गुरु बने और हमें दुर्योधन यानी कि शिष्य बनाया, रोल भी आपने अच्छा निभाया। आप वास्तव में गुरु और हम तो तुम्हारे चेले ही जैसे हैं गुरु। हालांकि हमारी कोई औकात नहीं है कि हम तुम्हारी बातों के जवाब दे दें, क्योंकि आप सम्राट और हम कुछ नहीं। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम तुम्हारी बातों के जवाब दे दें, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी तरफ से जो कुछ भी गाया गया है तुम्हारी एक भी लाइन ना बचे, हर बात का जवाब हमारी तरफ से हो जाए, कोशिश रहेगी। केवल एक छंद गाया आपने, दुर्योधन का पक्ष दिया, दुर्योधन बनकर ही आपका जवाब दिया जाएगा। भैया सीटी बंद कर दो यार, जहां से भी आ रही है बस सीटी ना मारो, बाकी बहुत बढ़िया चल रहा है साउंड आपका। एक टुकड़ा गाया, नाम वा से शुरू और वा पे खत्म, वसुदेव बलदेव और वासुदेव। आप कह रहे बाप बेटाओं की एक राशि है, ऐसे ही गा देना। और फिर आपने ये भी कहा कि ये नहीं मानूंगा कि विष्णु देव और ब्रह्मा देव, मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को, विष्णु देव और ब्रह्मा देव। अभी 3 दिन पहले मेरा आपका दंगल हुआ था चरौली चावली में, और YouTube यही लगा हुआ था नरेश भैया का, YouTube भी यही था, आप ही गा रहे थे विष्णु देव और ब्रह्मा देव। मैं तो कुछ और ही गाऊंगा, बाप बेटा की राशि नहीं है। आपने गाएंगे बाप बेटा की राशि, अगर मैं भी बाप बेटा की राशि गाऊंगा तो आप ये कहोगे कि बाप बेटा की तो मैंने गाए थे, तू कुछ और गा। आपने बाप बेटा की राशि गाई है कि जिस अक्षर से नाम शुरू होता है उसी अक्षर पे खत्म होता है। मैं अपनी तरफ से माँ और बेटा की राशि गाऊंगा कि जिस अक्षर से शुरू उसी अक्षर पे खत्म होगा। आपने गीत गाया कि कलयुग में भागे डोल रहे बाबा जी, जिन जिन बाबा जियों का आपने नाम लिया है आसाराम और राम रहीम, वो तो भागे ढोल लेना है, वो तो दोनों जेलम भरे हैं। चार बाबा गए आपने, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग। आपने चारों बाबा ऐसे गए कि जिन्होंने कछु न कछु कुकर्म करे। मैं प्रयास करूंगा कि तुम्हारे चारों युगों से चार बाबा और हो जाए मेरे। अब बची आपकी राजनीति, अब देखते हैं माहौल क्या है, उसी हिसाब से मैं आपकी राजनीति का जवाब दूंगा। उसके बाद अगर समय बचेगा तो मेरी तरफ से एक गीत हो जाएगा, गीत लायक समय नहीं होगा तो केवल एक टुकड़ा हो जाएगा, और यहीं से मेरे नंबर की शुरुआत है। देखेंगे आप लोग हम क्या कह रहे हैं। अरे रणभूमि से कम हो जाएगा, ये रणभूमि से और कम हो जाएगा, और कोई देख और वो पाप का भार। अरे भार, अरे दुर्योधन कहने लगा, तुम जो करोगे वो अनिवार्य। हाँ जी गुरु द्रोणाचार्य जी, अब ये दुर्योधन क्या कह रहा है, मुझे भरोसा है आप पे कि आप जो करोगे अच्छा करोगे। अरे अर्जुन के अलावा अगर पिहू कोई तोड़े, देखे अर्जुन के अलावा और ये बिहू कोई तोड़े। हाजी दादा इन्हें का हाथ ने खोल के बैठो, ऐसे आनंद ना हाथ ने खोलो ने। अगर आपका दिल कहे कि काफियाओं से जवाब हो रहा है तो एक एक आदमी की तालियां चाहूंगा मैं आप लोगों से, एक एक आदमी के पीछे तक, क्योंकि तालियों का सैलाब यहां तक आता रहेगा तो हमें गाने में और ज्यादा आनंद आता रहेगा। आपने कहा था कि कल सवेरे कुरुक्षेत्र में करूंगा बिहू की रचनाएं,
रचनाएं और बचनाएं। अब मैं क्या कह रहा हूं, अरे अर्जुन के अलावा और पिहू कोई तोड़े, अरे ये तो गुरबर सचना है, अरे देखे ये तो गुरबर सचना है, अरे कोई ये तो गुरबर सचना है, अर्जुन के अलावा और कोई पिहू तोड़ दे ये तो सच ना है, अरे ये तो गुरबर सचना है, अगर चारों पांडव फंस गए पिहू में तो फिर हाहाकार ही मचना है, देख झमेला, अरे रण में होए गो देख झमेला, अरे रण में होए गो देख झमेला, ए शोभा मारे गयो कच्छ नहीं, और मैंने की ना पच्छ नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, भमर भमर। अब मेरा कहना क्या है, अरे समय समय पे तुम चीत चिलाओ और समय को समझो सच नहीं, और ये समय को समझो सच नहीं, और हे गुरुवर बिहू की रचना तो आप कर दोगे लेकिन अर्जुन को बिहू से दूर भी करना होगा, अरे समय को समझो सच नहीं, और अर्जुन को बिहू से दूर करो जी, क्योंकि अर्जुन हमारा लक्ष्य नहीं, अर्जुन को बिहू से दूर करो, अर्जुन हमारा लक्ष्य नहीं। और रण में जाए देख सफायो, त्यारो बोल ना मन को भायो, तुमने मोकु आज बतायो, ओ तुमने मोकु आज बतायो, रे तुमने मोकु आज बतायो, ऐसो लगा मासा पिया ले गई जिया तेरी पहली नजर। ओ सैया ले गई रे जिया तेरी पहली नजर, तूने कैसा जादू किया मुझ पे ओ जादूगर, सैया ले गई रे जिया तेरी पहली नजर, स्वर्ण भस्म खाए ले ही बाबा ने अब डट डट के टक्कर मारे को, जाने काबुरी आदत है नाचवे बारे आंगे और आत का तबावर नहीं पकड़ लेते हैं, और फिर आदमी कहे भैया कहो तो कह दू मैं, भाई तुम्हारी लुगाई बाबा पकड़ रही है तुम चौंक रहे हो हम किंगे हैं, भाई तेरी लुगाई बाबा पकड़ रही है, लुगाई वो हमारी ना है, वो लुगाई तुम्हारी है, अब तुम्हारी लुगाई बाबा पकड़ रही है तो अपनी लुगाई रोको, सलाजी तो खाओ, हाँ सलाजी खाओ, और जोर कह रहे कि देखो सब मेरी लुगाई बाबा पकड़ रही है कह दूंगा, और फिर कह कितनी बढ़िया बात रहो है, स्वर्ण भस्म खाए ले बाबा ने जट जट के टक्कर मारे को, यार यार ऐसे खसमे तो शर्म आनी चाहिए। अब मेरा कहना क्या है, हाँ जी पीछे वाले हो तुम, जैसी सोच होती है इंसान की कलम वैसी चलती है,
मेरा कहना क्या है, अरे केला मैया का जो नाम जपोगे माँ नैया पार लगावेगी, केला मैया का नाम जपोगे मैया नैया पार लगावेगी। देख, अरे जो सच्चे मन से करेगो भक्ति मैया बापू जंग जितावेगी, अरे बापू जंग जितावेगी मैया बापू जंग जितावेगी। और तालियां चाहूंगा मैं। हाँ जी भैया पीछे वाले हो। अरे बापू जंग जितावेगी जब संकट पड़ेगो भक्तों पे तो माँ दौड़ी दौड़ी, ये संकट पड़ेगो भक्तन पे मैया दौड़ी दौड़ी आवेगी। ना तो जो बाबा रसिया करा सकते हैं यहाँ पे और ना ये कमेटी रसिया करा सकती है यहाँ पे। अगर इस मंच पर कोई रसिया करा सकता है, तालियां चाहूंगा मैं अगली लाइन पे। अरे मैया दौड़ी दौड़ी आवेगी और मैया हम पे गप्पावेगी, और खंदोली की जा मंच पे केला मैया रसिया करवा दे, खंदोली की जा मंच पे केला मार रसिया। और भैया एक बात मैं और कहूंगा जा मैडम के, तुम्हारी तरह ना है कि डट डट के टक्कर मारेगा ना, एक कैलेंडर ज्यादा ना है ना, अलग नहीं। देख, नाम वा से है शुरू नाम वा पे ही, अरे नाम वा से है शुरू नाम वा पे ही खत्म। पहला नंबर का लंदे देख, लंदे का घी कितना अजम होगो। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। नाम वा से है शुरू नाम वा पे ही खत्म, नाम वसुदेव जी का देखा वो सर्व उत्तम। धन्यवाद। आपने गाया वसुदेव बलदेव और वासुदेव, कोशिश की है मैंने। हालांकि मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं सम्राट का जवाब दे रहा हूं, पर मेरी कोशिश कैसी है वो जनता की तालियां बजाएंगी। सब है जागो अभी ना है, जनता की तालियां बताएंगी। आप कह रहे वा से शुरू वा पे खत्म, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, नाम का से है शुरू आराम से, क्योंकि एक एक शब्द समझ में नहीं आया तो फिर गाना बजाना बेकार है हमारा। नाम का से है शुरू नाम का पे ही खत्म, नाम कार्तिक के कालोगे के कालोगे सबके मिट जाए गम, कि नाम का से है शुरू और नाम का पे ही खत्म। अम्मा जो गौरा मैया है, गौरा मैया का एक नाम और है जो का से शुरू होता है और का पे ही खत्म होता है। अरे देखा तो समझ में आता है कार्तिके की, अरे वो काल का माता है कार्तिके की, अरे काल का माता है कार्तिके की, वो काल का माता है। पैदा एक हुआ कार्तिक और एक कालिका, कितने हो गए? अब रसियाबाजी तुम मानूंगा, आपने बाप बेटा गाए और मैं माँ बेटा गा रहा हूं, या तो भैया भैया लेके आना या फिर बहन बहन लेके आना, या बहन भाई लेके आओगे तो मानूंगा रसियाबाजी है, ना था कोई रसियाबाजी नहीं है। देखेंगे आप। अरे कार्तिके की, अरे वो काल का माता है नाम पैदा। एक और आता है साल में महीना ऐसा जो का से शुरू होता है और का पे खत्म होता है। अरे पैदा वो कार्तिक में हुए ये सब जानते हैं हम, नाम का से है शुरू नाम का पे खत्म, नाम का से है शुरू। मुकेश भैया एक कोशिश, अब दूसरी कोशिश देखना, लगाना मासा झूठ बोले कौआ काटे। Thank you.
अरे तू मायके चली जाएगी, मैं डंडा लेके आऊंगा। तू डंडा लेकर आएगा, मैं कुएं में गिर जाऊंगी। अरे तू कुएं में गिर जाएगी, मैं रस्सी से खिंचवा लूंगा। अरे मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, अरे मैं आरी से कटवा दूंगा। अरे प्यार करे आरी चलवाए, अरे ऐसे आशिक से डरियो, और मैं मायके चली जाऊंगी। तुम तेरे आपने बाबा जी गाए चार, और चारों बाबा ऐसे जिन्होंने कुकर्म किए, और मैं गा रहा हूं बाबा जी चार, जो कि चारों बाबा अच्छे, क्योंकि तो जैसी सोच होता है इंसान वैसा लिख देता है। आपने गाया शुक्राचार्य, रावण और पारारिस, अपनी बेटी के साथ में कुकर्म किया, और अंत में लाए राम रहीम और आसाराम। अब मैं सत्यों से ही बाबा जी घटा रहा हूं, देख। अरे अरे सत्ययुग में पर्वत पे बैठे, ये सत्ययुग में पर्वत पे बैठे, और आप लोग तालियां रोक नहीं पाओगे, ये गारंटी है। अरे सत्ययुग में पर्वत पे बैठे, अरे सत्ययुग में पर्वत पे बैठे, अरे ना डोले बाबा जी पानी की तरह से, विष पी गए वो भोले बाबा जी। याद पानी की तरह से विष पी गए वो भोले बाबा जी, वो पानी की तरह से विष पी गए वो भोले बाबा। पर्वत पे बैठे बाबा ना डोले बाबा जी, पानी की तरह से विष पी गए वो भोले। बोले बाबा जी आपने त्रेता में आएगा रावण बाबा बन के आया, अब मैं भी गा रहा हूं। जब राम लक्ष्मण सीता की खोज लगा रहे थे, किष्किंधा पे पहुंचे, सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी दाग कर देख क्या हो, ये दोनों कौन है। तो हनुमान जी, अरे श्री राम सीता को ढूंढे पर वो ढूंढे ना पाए, पर वो ढूंढे ना पाए, ये पर वो ढूंढे ना पाए। अरे सुग्रीव ने भेजे हनुमत बाबा जी बन के आए, बाबा जी बन के आए, वो बाबा जी बन के आए। अरे राम ने जाप, अरे राम से जाके मिले वो हनुमत, अरे वो अनमोले बाबा जी, और पानी की तरह से विष पी गए वो भोले बाबा। क्या हो गए हाथ उठा के बताओ। तो अब तीसरे बाबा जी द्वापुर में, अरे द्वापुर में अर्जुन संग लेकर ऐसे तन गए बाबा जी, ये ऐसे तन गए बाबा जी, वो ऐसे तन गए बाबा जी। द्वापुर में अर्जुन को लेकर ऐसे तन गए बाबा जी, और मोर ध्वज की लेकर परीक्षा मनमोहन बन गए बाबा जी, वो मोहन बन गए बाबा जी, मनमोहन बन गए बाबा जी, मनमोहन बन गए बाबा जी। अरे मोर ध्वज की ले तो परीक्षा, तो मनमोहन बन गए। आवाज आनी चाहिए तेज। अरे वो मनमोहन बन गए, अरे मांस मांगो बेटा को जाके मन खोले बाबा जी, और पानी की तरह से विष पी गए वो भोले बाबा। पानी की तरह से विष पी गए वो भोले बाबा जी। अब आया कलयुग, और आपने बाबा गाए राम रहीम और आसाराम, बुरे बाबा दोनों बुरे, लेकिन कलयुग के दो बाबा मैं अच्छे गा रहा हूं। तो कलयुग के आपने भी दो गाए, मैं भी दो गा रहा हूं, सही है भैया। आपने दो गाए आसाराम राम रहीम, तो मैं भी दो गा रहा हूं। अगर बात दिल को छू कर जाए तो एक एक आदमी की तालियां चाहूंगा। अरे कलयुग में
देखा वो बाबा हाथ शीश पे धर गए हैं, वो हाथ शीश पे धर गए हैं, वो हाथ शीश पे धर गए हैं। कलयुग में देखा बाबा वो हाथ शीश पे धर गए हैं। देख, और अब चाहूंगा तालियां नाम आते ही एक एक आदमी ज्ञानी चाहिए। अरे वो हाथ शीश पे धरे गए हैं, अरे विवेकानंद और गुरु नानक नाम अमर वो करे हैं। नागर जी अपनी अपनी सोच होती है, गीत इन्होंने लिखा, अगर ये चाहते तो अच्छे बाबा गा सकते थे, पर आदमी को सोच ही नहीं पहुंचते हैं, बाबा डट डट के टक्कर मार रहे हो, सोच ही नहीं तक है। देख, अरे विवेकानंद और गुरु नानक, अरे नाम अमर वो कर गए हैं, हो नाम अमर वो कर गए हैं, अरे नाम अमर वो कर गए हैं। अरे धर्म पाप की तराजू पे अरे तोले बाबा जी, ओम फो फर्राते काट रही है, अरे धर्म पाप की तराजू पे अरे वो तोले बाबा जी, ललुआ भैया मन डोले बाबा जी, और पानी की तरह से विष पी गए वो तोले, वो पानी की तरह से विष पी गए वो तोले बाबा जी। अरे छंद काट तेरे दो टुकड़ा काटे, देखे छंद काटे और तेरे दो टुकड़ा काटे, और अब आगे लिख के गयो जी। अरे मुकेश भैया एक चौक छंद का कम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी दोनों बातों का जवाब देकर चल रहा हूँ, अपने गीत के लिए समय नहीं बचेगा, इसलिए एक चौक कम किया मैंने। अरे ने कहा आगे जाए लिख के गयो जी, अब मैं बोलूंगा बाद में जनता पहली ताली बजा देगी, अब जाए आगे लिख के गयो जी, और आगे जो छंद लड़ाई ना पाओ पंजाते भाग से दो से गयो जी। गोपाल ऐसे कहनाथ गोपाल रे, कहनाथ गोपाल ऐसा मारे भयो। हाँ जी, इनका जवाब मेरी तरफ से चल रहा है, अभी मैंने अपनी एक लाइन नहीं गाई है, अभी इनका कोई जवाब बाकी तो नहीं है। राजनीति, राजनीति बाकी बची है, उधर से भाई साहब बीजेपी बने, अगर मैं राजनीति का जवाब दूंगा तो मुझे बीजेपी की बुराई करनी पड़ेगी। बीजेपी की मुझे बुराई करनी पड़ेगी, इसमें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि तुम रात भर मोदी के नाम पे ताली बजवाओ कर रही हो, और मैं बुराई करवा करूंगा वैसे बजवा करेंगे। भैया परमिशन है, देखो बहुत लोग पीछे मना कर रहे हैं, बीजेपी की बुराई ना करूं कि अच्छा है, काफी लोग बुराई मना कर रहे हैं, तो आइएगा। हाँ धन्यवाद, मैं बार बार आभारी हूँ आपका, सच्चता है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री हमको मिले हैं नरेंद्र मोदी जी से, ऐसा प्रधानमंत्री शायद ना मिले, तो ऐसे आदमी की क्या बुराई करेंगे हम। क्या बात है, एक गीत रखूंगा मैं उनके पक्ष में, जनता मना कर रही है राजनीति की, मैं इसलिए जवाब नहीं दे रहा हूँ आपका, आपकी तरह पागल नहीं हूं मैं कि गोपाल का विपक्ष जनता वैसी हरा देगी। नहीं गाना है, आइएगा कासगंज जी भैरव जा दो मिनट में, उसके बाद एक गीत आप लोगों के चलो मैं ऐसा रखूंगा कि पहला नंबर आपने गाया, आपको गाना था लेकिन आप नहीं गा पाए, मेरी तरफ से होगा, देखेंगे आप लोग। कासगंज जी Thank you.
दिना है गए बलम जी, अरे बहुत दिना है गए बलम जी, देख अरे बहुत दिना हम झटका मार रहे तो अपनी माँ मार रहे का बाबा माउना मार रहे देखो हमारे आदमी में तो महत्व है। अरे मैं तो सावन सगुन मनाऊं, अरे जे भैया आए गए हो मोए लेवावे में तो पूरो खाए जा। अब मेरा कहना क्या है? हाँ जी दादा दादा मेरा कहना क्या है भाई, इनकी टक्कर का नहीं हूं मैं, पर कोशिश कर रहा हूं, पर भी लगा पड़ा हूं इनके पीछे पीछे। देख अरे कोई झंडा ले उखाड़ यहां पे, अरे यहां पे तम्मू तने गो हमारो ए गाना बजाने ऐसा हो। देख अब तालियां चाहूंगा आप लोगों से। हाँ जी भैया जी लोग खड़े हैं, अरे देख झंडा ले उखाड़ यहां पे और यहां पे तम्मू तने गो हमारो ए। अरे गंगा जी की पार पे ठाड़ो जे उदल मोहवे बारो, देख करना हमसे लड़ोगे लड़ाई तो फिर हम तलवार चलाएंगे। अरे अरे पहले हमारी होए लड़ाई हम पीछे गंगा नहाएंगे, ये पीछे गंगा नहाएंगे हम पीछे गंगा नहाएंगे। अरे गंगा जी की पार पे सुन ले कोई चले जाए वो आज दुधारो है, गंगा जी की पार पे ठाड़ो ये उदल मोहबे बारो, अरे उदल मोहबे आइएगा। यहाँ तक रहे तुम्हारे जवाब सवाल, हाथ जोड़कर पैर छुकर आप लोगों के चरणों में एक गीत रख रहा हूं, क्योंकि इस मंच के लायक जो गीत हैं वो वास्तव में हमें गाने चाहिए।